हेलो, हेलो, कौन? पागल बोल रही हूँ। हो ओके, बोलो. जैसा कैसे हो? छोड़ गए थे वैसा ही हूँ. अच्छा सुनो, आई सॉरी, क्या क्या I'm sorry। किस वही जो किया तुम्हारे साथ, इसलिए। लिए? अच्छा, ये सॉरी बहुत जल्दी याद आ गया ना आपको. बहुत जल्दी याद आ गया. अभी 2 दिन तो हुए हमारे ब्रेकअप को, है ना? और 2 दिन में आपने फोन करके मुझे सॉरी बोला, है ना? 2 दिन ही तो रोया हूँ मैं, बस 2 रातें ही तो मेरी आंखें लाल हुई रो रो के, है ना? सॉरी ना, आई नो दैट कि मेरी गलती है। नहीं मुझे बेटी, आपकी गलती नहीं है. जैसे तुमने बताया, छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो पागल, आप गई कहाँ हो? 2 दिन ही तो हुए हैं जो 2 दिन बाद फोन करके बोल रहे हो सॉरी, है ना? 2 दिन में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं. 2 दिन तो इंसान रोया है, 2 दिन में कुछ भी नहीं होता, है ना? 2 ही दिन हुए ना. बोलो ना। तो मैंने गलत क्या बोला है? ऑब्वियसली 2 दिन नहीं, आपको ही पता है ना, सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं. 2 दिन ही तो सोया हूँ मैं अंदर के अंदर, तो ये तो आंखें लाल हुई है ना मेरी. सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं, है ना? अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, कैसे हो आप? प्लीज बोला ना, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही हूँ. ना यार बताओ, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। हाँ ठीक हूँ. मेरी आवाज से आपको लग नहीं रहा मैं खुश हूँ. मेरी आवाज में आपको खुशी पता नहीं चल रही मेरी? सीरियसली आई एम सॉरी यार, मैं सीरियसली तुम्हें उस दिन फोन करना चाहती थी, बट बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाती है ना लाइफ में। अरे कोई बात नहीं यार, आपने वो फोन नहीं किया होगा, कोई बात नहीं. 2 दिन में आपने फोन किया ना मुझे, क्या हो रहा है 2 दिन में? 2 दिन में कुछ भी नहीं होता यार. सिर्फ 2 दिन तो थे, है ना? 2 दिन थे ना? प्लीज मांग रो मत ना यार, नहीं, प्लीज। कितना टाइम था? 2 दिन थे ना सिर्फ? नहीं, कितना टाइम था? 2 साल हो गए। तो साल में साल तुम्हें अब नंबर मिला है मेरा, अब तुम्हें तुम्हारी मजबूरियां दूर हुई, अब तुम सोच रही हो बात कर लूं और सॉरी बोल रहे हो. 2 साल कभी ये जानने की कोशिश की कि वो जिंदा है? 1 मिनट, 2 साल कभी ये जानने की कोशिश की वो जिंदा है या मर गया? तुमने तो मुझसे वादे किए थे ना, 1 मिनट. तुम तो वादे में हर बार बोलते थे ना कि उमंग, अगर तुम छोड़ के चले गए मर जाऊंगी, तुम छोड़ के चले गए मर जाऊंगी. 2 साल हो गए यार, अभी तक जिंदा कैसे हो? उस ऐसी बात रोग नहीं की है याद यार, के लिए क्या तो 2 दिन है ना, 2 दिन है सिर्फ. 2 साल तो मेरे लिए है. सुनोगे? बोलो, उस दिन भी आपकी सुनी थी, मैं चुप था. आज भी आपकी सुनूंगा, मैं चुप हूँ, बिकॉज मेरे को तो बोलने का हक नहीं है ना. ऐसे ऐसे कोई दिन तुम्हें लग रहे हैं कि तुम रोए हो हर रात को, तो हर रात मैं भी रोई ही हूँ। तो तुम ये बोल रहे हो कि मुझे 2 साल बाद तुम्हारा नंबर मिला। नंबर मेरे पास बहुत पहले ही था, नंबर डिलीट तक नहीं किया मैंने तुम्हारा अपने फोन से। एक बात जानना चाहता हूँ, वो जब इन 2 सालों में धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोच रहा था, कुछ कर रहा था, फिर वापस मेरी लाइफ में मुझे कॉल करके वापस वही जख्म क्यों को देखना चाहते हो? उन जख्मों में वापस नमक क्यों लगा रहे हो? इन 2 सालों में मैंने अपनी आंखों में से आंसू लाना बंद कर दिए थे, बस क्यों मेरी आंखों में दोबारा आंसू लाना चाहते हो? तुम्हारे लिए तो यार 2 दिन है, तुम्हारे लिए तो 2 दिन है. गए, आ गए, अब सॉरी बोल दिया, हो गया, बस हो गया ना. हाय सॉरी बोल दिया, बात खत्म. लड़की को अपनी गलती का एहसास हो गया. लेकिन कभी कभी ना एहसास होने में इतना टाइम लग जाता है कि सामने माफ नहीं कर पाता. अगर तुम 1 हफ्ते बाद भी आते, 1 महीने बाद भी आते ना, तो भी मैं माफ कर देता. लेकिन पूरे 2 साल, 2 साल बहुत बड़ी जिंदगी होती है यार. इन 2 साल में ना नो रो यार, रो के आंखें जो मेरी लाल हुई थी ना, जो यहाँ अंदर से मैं देखो क्या, टूटा हूँ, सब खत्म कर दिया मैंने. अपना क्या है मेरे पास आज? कुछ भी नहीं है. इन 2 सालों में अंदर से जितना तुमने मुझे तोड़ा था ना, ऐसा तो कोई दिन नहीं था जिस दिन तुम्हारी याद नहीं हो, जिसमें रोया नहीं हो तुम्हारी फोटो देख के. और आज तुम एकदम से फोन करके बोल रही हो सॉरी, गलती थी मेरी. वाह यार,
सॉरी कितना छोटा वर्ड है ना, 2 साल के वो आंसू, 2 साल के वो दर्द, वो जख्म सब भर देगा एक सॉरी। इतनी पावर होती है क्या सॉरी में? मुझे नहीं पता जाना, अगर होती है तो होती होगी। बड़े मेरे जख्म, मेरे तकलीफ, मेरे आंसू, क्या तुम्हारा एक छोटा सॉरी नहीं भर सकता? नो, जानती हूँ यार कि तुमने बहुत वेट किया, तुमने बहुत खाई मेरी वजह से। मैं मना नहीं कर रही हूँ तुम्हारी किसी भी चीज को, लेकिन मम जितना तुमने सहा है उतना मैंने भी सहा है। तुमने अगर वेट किया तो वेट मैंने भी किया है तुम्हारा, ऐसी बात नहीं है यार। वेट किया आपने किसी और के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमना, या आपने वेट किया है मेरा? उसके धोखे देने का इंतजार करना, या आपने वेट किया है मेरा? जब उसने आपको तकलीफ पहुंचाई तब तो तुम्हें मेरी याद आई, ये वेट किया है आपने मेरा, है ना? जब उसके साथ आराम से घूम रहे थे, ये वेट किया है आपने मेरा, बहुत वेट किया है सच में। नहीं यार, मेरी कैसे बताऊं मैं तुम। कुछ बताने को है ही नहीं यार, आपको तो यही लगता है ना, एक सॉरी बोल दिया, हो गया काम। उसके 2 साल के तक उसके 2 साल की तकलीफ है, सब सॉरी में भर जाएंगी। बट नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। सॉरी यार, रियली सॉरी जो गलती मैंने की है उसके लिए। शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तुम उस उमंग से बात नहीं कर रहे यार, जो था मरता था तुम्हारे लिए कभी। मैंने तुम्हें बताया ना कि जब हमारी लड़ाई होती थी मैं कितना हाइपर हो जाता था, चीखने चलाने लगता था, याद है ना? आज मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देगी आपको तेज। रोज जो इंसान अंदर से टूट जाता है ना, वो चीखना चिल्लाना ही बंद कर देता है यार। हद से ज्यादा मैं आपको गुस्सा करता था, चीखता था, लेकिन एक बात कहता था, कभी छोड़ के मत जाना वरना आप पूरी तरह से टूट जाऊंगा। आज देख लो ऐसा बना दिया है कि अंदर से इतना रो रहा हूँ, इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ, पर बाहर से आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी आपको। पानी में इसमें वापस आने के लिए फोन नहीं किया है यार मैंने। सच में मैंने जो गलती की है, मैं तुम्हें दोबारा दुख नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे पता है मैं वापस ले जाऊंगी। तो क्यों फोन किया फिर? ये बस बताने के लिए कि उमंग सॉरी तुम्हारी याद बोल आ रही रही हूँ? थी। ओह वाओ, अमेजिंग यार, जब किसी और के साथ थे तब मेरी याद नहीं आई, आज आपको मेरी याद आ रही है। जब वो आपके साथ नहीं है, जब फिर वो आपके साथ हो जाएगा, तब कौन उमंग, खिलौना हो क्या यार? याद आ रही थी तो 2 साल का जो जख्म है उसको कुरेदने वापस फोन कर दिया। अंदर से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, लेकिन बाहर छुपूँ यार, हिम्मत नहीं है ना। किसके ऊपर चिल्लाऊं, किसके ऊपर चीखूं? यहाँ तो बोले सॉरी से सारी बात खत्म हो जाती है, सारी तकलीफें एक सॉरी भर देता है, सिर्फ एक सॉरी। और प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जिसके साथ हो और उसी के साथ रहो, ओके कोई जरूरत नहीं आपको मेरे साथ रहने की। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, आप जिसके साथ हो आप उसके साथ रहो, एक आपके सॉरी से अगर मेरे जख्म भर जाते तो शायद माफ कर देता। सॉरी, अब आपको और दुख नहीं देना चाहती, चलिए बाय। दोस्तों, जब हम किसी को छोड़ के जाते हैं ना, और जब वो सालों महीनों आपके लिए रोता है, वो जख्मों को सहता है, जब वो अपने प्यार को कोसता है, और तब आप उसकी लाइफ में अचानक से आते हो महीनों बाद, सालों बाद, और बोलते हो सॉरी, तो उनके लिए लाइन है, एक सॉरी, तुम्हारा सिर्फ एक छोटा सॉरी उसके सालों के महीनों के उन जख्मों को नहीं भर सकता। तुम्हारा एक छोटा सॉरी उन सारे आंसुओं की कीमत नहीं चुका सकता जो उसने तुम्हारे लिए बहाए हैं, जो महीनों सालों वो तुम्हारे लिए रोया है ना, वो सारे आंसुओं की कीमत सिर्फ एक सॉरी से नहीं चुकाई जा सकती। इसलिए किसी को छोड़ के जाने से पहले ना, ये सोच लेना कि जब दोबारा वापस आओगे और सिर्फ एक सॉरी बोलोगे, तब तो उस सॉरी में सब खत्म नहीं हो जाएगा। उस सॉरी में उसके सारे दर्द, उसकी सारी तकलीफें, उसके सारे जख्म दूर नहीं हो जाएंगे।
वो जितना रोया है ना तुम्हारे लिए, जितनी रातें वो रोया है, जितने महीने तुम्हारे लिए रोया है, वो सिर्फ़ एक सॉरी से ख़त्म नहीं हो जाएंगे, सिर्फ़ एक सॉरी से ख़त्म नहीं हो जाएंगे। इसलिए किसी को छोड़ के जाने से पहले सोच लेना कि एक सॉरी क्या सब ख़त्म कर देगा, एक सॉरी उसके महीनों के सालों के जख्म भर देगा। नहीं, वो छोटा सा सॉरी ना उन जख्मों के सामने कुछ भी नहीं है जो आपने उसको दिए हैं जब आप उसको छोड़ के गए थे, तब उसको जो जख्म मिले हैं। इसलिए किसी को छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचना, 100 बार कि जब मैं वापस आऊँगी तब एक सॉरी काफ़ी नहीं रहेगा, काफ़ी नहीं रहेगा।